टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। कविता की चंद लाइनें अपने आप कह जाती हैं कि ये किसी महान हस्ती द्वारा रचित हैं। खुद लाइनें भी गौरवान्वित हो उठती हैं जब अटल जैसा कोई उन्हें पन्नों पर स्याही से उकेरता है। कवि, पत्रकार और राजनेता हर रोल में नंबर वन रहे अद्भुत और अटल व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज यानी 25 दिसंबर को जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी यूं तो भारतीय राजनीति पटल पर एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से न केवल व्यापक स्वीकारिता और सम्मान हासिल किया बल्कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए 90 के दशक में बीजेपी को स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाई। ये वाजपेयी जी के व्यक्तित्व का ही कमाल था कि बीजेपी के साथ उस समय नए सहयोगी दल जुड़ते गए, वो भी तब जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दक्षिणपंथी झुकाव के उस जमाने में बीजेपी को राजनीतिक रूप से अछूत माना जाता था। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। अटल के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माँ कृष्णा देवी थीं। वाजपेयी का संसदीय अनुभव 5 दशकों से भी अधिक का विस्तार लिए हुए है। अटल बिहारी वाजपेयी 1951 से भारतीय राजनीति का हिस्सा बने। उन्होंने 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। इसके बाद 1957 से वह सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी कुल 10 बार लोकसभा के सांसद रहे। वहीं वह 2 बार 1962 और 1986 में राज्यसभा के सांसद भी रहे। इस दौरान अटल ने उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। अपनी भाषण कला, मनमोहक मुस्कान, वाणी के ओज, लेखन व विचारधारा के प्रति निष्ठा तथा ठोस फैसले लेने के लिए विख्यात वाजपेयी को भारत व पाकिस्तान के मतभेदों को दूर करने की दिशा में प्रभावी पहल करने का श्रेय दिया जाता है। इन्हीं कदमों के कारण ही वह वाजपेयी के राष्ट्रवादी राजनीति एजेंडे से परे जाकर एक व्यापक फलक के राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। उनकी पूरी राजनीति साफ सुथरी रही। हर पार्टी के नेताओं से उनके गहरे संबंध रहे। उनकी बोलने की शैली ऐसी थी कि जब वे भाषण देते थे पूरे सदन की नजरें उनकी ओर रहती थीं। सभी लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। उनके भाषण का लोग इंतजार करते थे कि वह क्या कहने वाले हैं। 31 मई 1996 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, यदि मैं पार्टी तोड़ूं और सत्ता में आने के लिए नए गठबंधन बनाऊं तो मैं उस सत्ता को छूना भी पसंद नहीं करूंगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं अटल जी के इस दमदार भाषण का एक वीडियो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। चलिए अब आपको सुनाते हैं अटल जी द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं।
मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भू पर पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ, लो विष पीकर अधरों की प्यास बुझाई है, मैंने पीकर वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ, जिसको पल भर में ही छूकर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सठ का शहर, मेरा स्वर नभ में घर घर, सागर के जल में चहर चहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं तेज पुंज, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास समर, यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के सुदित लाल, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुदित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल, जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योत, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समायो, बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन को गुलाम होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा, अंतिम है मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तन मन इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूं मैं तो समाज का हूं सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के चलते वाजपेयी जी का निधन हो गया।